Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सिस्टर शिवानी के साथ. वेलकम सिस्टर. ओम शांति. वेलकम सिस्टर. ओम शांति. आज की नई सीरीज का नाम है लिविंग वैल्यूज. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रेलेवेंट टाइटल इन द प्रेजेंट टाइम्स. हाँ, बट आज तक हम लोग बीइंग ब्लिस, बीइंग लव, बीइंग सो मेनी थिंग्स कर रहे थे. अब हम लिविंग कर रहे हैं. राइट. कैन आई अंडरस्टैंड द मीनिंग बिफोर वी स्टार्ट? जैसे आपने कहा हम बीइंग कर रहे थे कि आत्मा जो बीइंग है उसकी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है, तो हमने देखा प्यार, ब्लिस, आनंद, प्योरिटी, विजडम, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है. तो ऑफ कोर्स दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जो बीज है द सोल, जो बीज है, जब वो अपनी ओरिजिनलिटी पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से निकलती हुई हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन ऑटोमेटिकली ओरिजिनल नेचर से होगा. लेकिन ये ओरिजिनलिटी पर हम वर्क कर रहे हैं, कभी कभी हमें सेकंड साइड पे चेक करना पड़ता है कि हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन जीने के तरीके में, डे टू डे लाइफ, डे टू डे में जीवन जीने का तरीका, इट्स लाइक उसमें सब कुछ आ जाता है, उठना, बोलना, बैठना, बिजनेस करना, रिलेशनशिप, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ. देश में जीने का तरीका, समाज में जीने का तरीका, आपने जैसे कहा बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका, लोगों के साथ रहने का तरीका. सो द वे टू लिव, वी वर टॉकिंग अबाउट द वे टू बी, द बीइंग. एक्चुअली अगर देखा जाए, इफ द बीइंग इज राइट तो लिविंग विल ऑटोमेटिकली बी राइट. लेकिन सिर्फ क्या होता है, कई बार हम अपने को बीइंग लेवल पे कई बार चेक नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाली जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सूक्ष्म है, सटल है. सपोज आई हैव टू चेक प्योरिटी, कि क्या मेरी हर थॉट प्योर है, इज द बीइंग प्योर. सो वी अंडरस्टैंड कि द बीइंग आत्मा हैज़ टू बी प्योर, पवित्र हर सोच, शब्द और कर्म में. नाउ दिस रिक्वायर्स अ वेरी कॉन्स्टेंट अटेंशन, अ कॉन्स्टेंट अवेयरनेस. क्या मेरी हर थॉट एकदम क्लीन है, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है, किसी के प्रति थोड़ी सी भी कोई जजमेंटल होना वो ठीक नहीं है, ऐसा है, किसी के प्रति क्रिटिसिज्म, किसी से ईर्ष्या, किसी से, और जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई डबल मीनिंग तो नहीं? हाँ, वेरी गुड. अंदर कुछ मतलब ब्यूटीफुल. अब हाँ, नाउ लुक एट दिस लाइन. जब मैं बोल रहा हूँ तो कई बार हम बोल तो मीठा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा डबल मीनिंग, तो ये भी तो हो सकता है कि सोच, डबल मीनिंग मेरा मतलब कि मैं सोच कुछ रहा हूँ अंदर से, मुंह से अलग बोल रहा हूँ. एक वो तरीका हो सकता है. दूसरा तरीका हो सकता है, हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन बोलकर हम कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको. ताना. हाँ, ताना भी नहीं होता कई बार. ताना तो जैसे इमीडिएटली पता. हाँ, वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग समथिंग टू समवन. टेलिंग भी इससे, टेलिंग समथिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी. Yeah, it could be manipulation also in relationships, कि मुझे अपने तरह से कुछ काम करवाना है तो मैं लोगों के साथ कैसे चल रही हूँ. अब ये कुछ चीज़ें हमारे जीवन जीने का तरीका बन चुकी हैं काफ़ी समय से. अब वो इतना ऑटोमेटेड वे ऑफ थिंकिंग में चला गया है कि हम बीइंग के लेवल पे कई बार उसकी अवेयरनेस में ही नहीं होते कि दिस इज़, बिकॉज व्हेन बिकम्स अ संस्कार तो वो ऑटोमेटिक में चला जाने के कारण हमें नहीं अवेयरनेस होती कि ये मैं कुछ सोच रहा हूँ ये सही नहीं है. हम उसको लगता है ये सही है, क्योंकि सपोज मुझे आपको कुछ समझाना है, कुछ कहना है, एंड आपको मैं सीधे तरह से या जस्ट सिंपली मैं नहीं बता सकती, तो मैं उसको कुछ ऐसे करके, ऐसे घुमा के, आपके सामने किसी दूसरे को सुना के. कई बार सास अपनी बेटी को डांट के सुनाती. हाँ, सो सी, तो ये चीज़ें, ये व्यवहार, yes, क्योंकि वो कहेंगे कि हम कर नहीं सकते. लेकिन इन सब चीज़ों में हमारी जो थॉट्स होती हैं वो इम्प्योर हैं. फिर हम कितने इम्प्योर हो जाते हैं? हाँ, वो बीइंग इम्प्योर है ना. लेकिन अब जब हम बीइंग के लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं, सो व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल रोट बैक एंड फेल्ट कि वी आर डूइंग दैट चेकिंग, लेकिन वो पूरा दिन नहीं रह पाते.
यू नो कभी कभी चेकिंग हो जाती है, कभी कभी दिख जाता है कि ये थॉट अच्छी नहीं है, लेकिन उतना अवेयरनेस, उतना अटेंशन कि मुझे अपनी हर थॉट पर दिख जाए कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, चेंज, ये उतना अवेयरनेस, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, एंड उससे संस्कार चेंज होगा. तो हम इसको एक स्टेप ईजियर कर सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को थॉट लेवल पर नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम उसको वर्ड्स और बिहेवियर लेवल पर तो चेक कर सकते हैं, वो तो बहुत ईजी होता है, सामने दिख जाता है. तो एक तरीका है कि बींग को चेंज किया, मतलब सोल के संस्कार को चेंज किया, तो सोच बदली, कर्म अपने आप बदल गया. बींग को कैसे चेंज करेंगे? बींग को चेंज किया मतलब तो संस्कार ओरिजिनल है ही ना, लेकिन जो अक्वायर्ड संस्कार, अच्छा, हमने जो उसके ऊपर हाँ, वो डाल दिया है कचरा. सपोज जैसे आपने अभी कहा सुनाने का संस्कार है, किसी को हमें ताना मारना है, तो ये एक अक्वायर्ड संस्कार है ना, ये बीइंग का ओरिजिनल संस्कार नहीं है, क्योंकि बीइंग का ओरिजिनल संस्कार है प्योरिटी. लेकिन धीरे 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 करते 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 ये संस्कार सपोज मेरा बन गया कि ऐसे मैंने सुनाना है, कुछ ऐसी बात कहनी है कि दूसरे को वो मैसेज भी मिले, लेकिन वो हर्ट भी हो जाता है कई बार, बहुत सारी मैनिपुलेशन चुभ भी जाती है, इंटेंशन भी कई बार चुभाने की नहीं होती, लेकिन इसकी चेकिंग हम थॉट लेवल पे नहीं कर पाते. तो द सिंपलर वे इज एक्चुअली दिस कि बीइंग की चेकिंग हो जाए, आत्मा की, संस्कार पर हम वर्क करें, थॉट अपने आप चेंज हो जाएगी, तो वर्ड और बिहेवियर तो अपने आप चेंज हो जाएगा, विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड आउट. कि इनसाइड को चेंज कर दो, आउटसाइड अपने आप चेंज हो जाएगा. लेकिन इनसाइड को चेंज करना इज कॉन्स्टेंट अटेंशन, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस. तो उसको कभी कभी हम एक और सिंपलर तरीके से भी चेक कर सकते हैं, आउटसाइड को चेक कर लो कि क्या मैं अपने कार्य व्यवहार में, अपने रिश्तों में, अपने कारोबार में, अपने जीवन जीने के तरीके में, मुझे किस तरह से जीवन जीना है, इज इट द वे आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. एंड इस पर अगर हम कभी चेंज करेंगे कि बाहर जीवन जीने के तरीके को चेंज करेंगे, तो भी संस्कार चेंज हो जाएगा. टेम्पररी हो सकता है. जैसे मैं एज एन एक्टर, मुझे पहले ना इनसाइड आउट नहीं आता था, द रियल मेथड एक्टिंग जो सिखाई गई थी. तो मैं गुस्से वाला सीन होता तो कुर्सी टेबल पे मारता था हाथ से जोर से, आउटसाइड इन लाता था. लेकिन दैट वॉज जस्ट अ टेम्पररी फेज. राइट. रियल फीलिंग तो इनसाइड आउट की आती नहीं थी. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर मुझे उसके पीछे नॉलेज भी मिली कि हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है. बीइंग को नॉलेज मिली, अब मेरा सारा दिन रिश्तों में कैसे होना चाहिए कि हर एक के संस्कार को देखा कि वो संस्कार डिफरेंट है, एक्सेप्ट किया सामने वाले के संस्कार को. अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो गुस्सा तो नहीं आने वाला. सो दैट्स द वे टू बी. राइट. कैन यू रिपीट दिस? क्या सब कुछ कर लिया? तो सपोज मेरे पास गुस्से का संस्कार है. हाँ. तो मुझे गुस्सा कब आ रहा है? जब चीजें एंड लोग मेरे अनुसार नहीं होते. हाँ, बट आई कैन नॉट से मेरे, ना जनरल अनुसार भी तो एक चीज होती है ना. वो जनरल की डेफिनेशन भी मेरी अपनी होती है. सारा दिन में हमें चलना है जब एक दूसरे के साथ, पीपल विल नॉट बी द वे वी वांट देम टू बी. तब हमें तो फिर हमें गुस्सा औरों पर भी आता है, गुस्सा हमें अपने ऊपर भी आता है. मुझे तो कि मैं ऐसा रहना चाहता था, मैंने क्यों बोला. तो अब हमें परमात्मा से ज्ञान मिला कि हर आत्मा का अपना संस्कार है. ठीक है. जैसे ये ज्ञान मिला आत्मा को, द बीइंग को, तो आत्मा को रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि हर आत्मा का अपना संस्कार है. तो ये मेरे जैसे तो हो नहीं सकते, जो मैं इनको कहूँ ये मेरे तरह से तो करेंगे नहीं. इतना ज्ञान अगर मुझे मिल गया और समझ में आ गया, तो गुस्सा करने का तो कुछ मार्जिन बचता ही नहीं है. नाउ दिस इज द इनसाइड आउट प्रोसेस, कि अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग. और अंडरस्टैंडिंग में सिस्टर, गुस्सा करने की मार्जिन बचती नहीं के अलावा, व्हेन यू हैव यूज द वर्ड अंडरस्टैंडिंग, तो फिर गुस्सा करके फायदा क्या? हाँ, फायदा ये भी तो सोच सकते हैं ना. गुस्सा आएगा ही नहीं ना. मार्जिन के बदले में
क्या सॉल्यूशन है, गुस्सा करने से कुछ हल होगा, गुस्सा करने से बदल जाएगा आदमी? मैंने तो घर में गुस्सा कर करके 10-10 साल तक स्टाफ को देखा, जो 10 साल पहले करता था आज भी करता है। अभी चलो इतनी सिंपल बात कि जो हमने अपने स्टाफ को बार बार बताया वो भी उनका संस्कार नहीं चेंज हुआ, तो हमें बार बार उस बात पर इरिटेशन हुआ करती थी। अब हमें नॉलेज मिली कि उनका संस्कार है, उनको वो बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। अगर हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग फिट हो जाए ना, तो हमें गुस्सा कभी नहीं आएगा। नहीं, इतने साथ बात फिट हुई तब मैंने फोन करके बोलना शुरू कर दिया, आज पेपर आया। हाँ। बोले हाँ सब आया, पहले डांटता था। ट्रू। नाउ इसमें दो ऑप्शन है, एक कि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि संस्कार उनका नहीं चेंज हो रहा, मुझे गुस्सा नहीं करना, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग यहाँ करेंगे, बाहर गुस्सा आएगा ही नहीं। लेकिन अगर अभी भी मुझे गुस्सा आता है, ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज, ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड द मेडिटेशन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, हम बहुत सारे हैं जो रोज़ ज्ञान भी सुन रहे हैं, रोज़ मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, हमसे वो पुराने वाले संस्कार फिर से कर्म में आ जाते हैं। तो हम इस स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आज, कि अगर हमसे संस्कार लेवल पर नहीं चेंज हो रहा, संस्कार बनता है तो वो कैसे बनता है? कोई भी कर्म बार बार किया तो वो संस्कार बनता है ना? राइट। दो चीज़ें हैं, लुक एट द हाउ इट विल वर्क। कोई भी कर्म बार बार किया संस्कार बनता है, कोई भी संस्कार बन गया तो कर्म वैसा ही होता है। वाह, ऐसे ही होगा ना? ऐसे करो या वैसे, वैसे करो, करो। ठीक है, वैसे तो वही राइट, कार्मिक अकाउंट में। अगर मैंने बार बार गुस्सा किया तो मेरा गुस्से का संस्कार बनता है। संस्कार बना कैसे? बार बार कर्म में लाने से। अगर कर्म में नहीं लाएं, दैट्स द क्वेश्चन। बार बार एक चीज का खाने का तरीका, बार बार कुछ पीने का तरीका, बार बार एक पर्टिकुलर तरह से बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बार बार कर्म में आने से संस्कार बनता है। एक बार संस्कार बन जाता है तो वो हर कर्म वैसा होने लग जाता है। करेक्ट। ये कनेक्शन समझना होगा। सपोज मैं इस तरह से बैठी हूँ, ओके, हर एक अलग अलग तरह से बैठेगा इसी कुर्सी पर आकर। बार 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 इस तरह से बैठने से, इस तरह से बैठना का मेरा संस्कार बन जाएगा। इवन दो दिस इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी, लेकिन मैंने एक गलत तरह से बैठने का एक संस्कार बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जैसे ही बैठने लगी तो गलत तरह से ही बैठूंगी, क्योंकि वो मेरा संस्कार बन गया है। नाउ आई हैव टू वेज ऑफ वर्किंग ऑन इट। वन, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर, इसका नुकसान कितना, इससे क्या होगा, ये होगा, वो सारी अंडरस्टैंडिंग करो, संस्कार को चेंज करो, अगली बार ठीक से बैठो। दिस इज लॉट ऑफ अटेंशन, अवेयरनेस, अ सिंपलर वे। नेक्स्ट टाइम सिर्फ अटेंशन कि जब बैठने जाएंगे तो सही तरह से बैठो। पहली बार बहुत मुश्किल लगेगा, कंफर्ट जोन मुझे दूसरी तरह से बैठने नहीं देगा, आई विल टेंड टू पुश बैक इनटू माय ओल्ड वे ऑफ सिटिंग, क्योंकि वो मेरा संस्कार है, तो मेरा संस्कार खींचेगा मुझे उस पुराने तरीके पर जाने के लिए। तो आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू सिट इन द राइट वे। मतलब मैंने अंदर को नहीं अभी चेंज किया, लेकिन मैं बाहर मेहनत करने के लिए उस पर रेडी हूँ। एक बार ठीक तरह से बैठे, दूसरी बार ठीक तरह से बैठे, तीसरी बार ठीक तरह से बैठे, 10 बार भी कर लिया अगर, नाउ आई एम चेंजिंग माई संस्कार। सो अगर हम अंदर कुछ चीज़ों को सूक्ष्म लेवल पर चेंज नहीं कर पाते, तो देर इज़ अनदर वे, डू इट आउटसाइड। इट्स लाइक अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ खाने की आदत पड़ गई है जो मेरे लिए ठीक नहीं है,
एक है नॉलेज, यू नो लाइक हाउ पीपल डू विद एडिक्शंस, किसी को गुटखा की वो पैकेट रखने की आदत पड़ जाती है, किसी को च्युइंगम सारा दिन खाने की आदत पड़ जाती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हैं. एक है मेडिटेशन करें, आत्मा में उतनी ताकत भरें, वो ताकत भर के ये क्रेविंग जो है, डिज़ायर जो है, ये अपने आप छूटेगी. मतलब संस्कार बदलेगा, कर्म बदलेगा. लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो देन देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो डन इट द अदर वे राउंड, एंड विच मीन्स उन्होंने सिर्फ अटेंशन किस पर रखा, आज मुझे पूरा दिन ये नहीं खाना है. नहीं, लोग क्या करते हैं, पोस्टपोन भी करते हैं, राइट, चलो एक घंटे बाद ले लेते. परफेक्ट. आज सपोजिंग जो स्मोकर्स होते हैं, राइट, तो वो बोलते हैं मैं लंच तक पहले मैं 10 पी लेता था. हाँ. तो उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन करते करते लंच तक उन्होंने 5 कर लिए. परफेक्ट. अब ये क्या किया उन्होंने, पहले वाला जो बार बार वो 10 लेते थे वो आदत बन गई थी, अब उन्होंने उसको आदत लेवल को बाहर चेंज किया है. एक्सटर्नल मेजर्स यूज करके, यू नो, जैसे दूर रखना, कट्ठे नहीं रखना ज्यादा अपने पास, एक एक खरीद के लाना, दीज आर ऑल एक्सटर्नल वेज टू चेंज द हैबिट. मेडिटेट, गेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल वे ऑफ चेंजिंग द हैबिट. लेकिन नहीं कर पा रहे इंटरनल वे, लेट्स चेंज सम हैबिट्स एक्सटर्नली. एक्सटर्नल भी थोड़ा सा अटेंशन रख लेंगे कैसे करना है, बहुत कुछ इंटरनल चेंज हो जाएगा. तो जैसे आपने कहा चलो 10 से 5 किया, कुछ लोग कहेंगे जो 10 से सीधा 0 पे भी आते हैं, कुछ 10 से 5 पे आएंगे, 5 से फिर 2 पे आएंगे, 1 पे आएंगे, 0 पे आएंगे. एक्सटर्नली कर लिया, मतलब क्या किया, रोज जिस तरह से कर्म कर रहे थे आज एक अलग तरह से किया, 2 दिन 10 दिन, धीरे धीरे कर्म बदला, संस्कार बदल गया. बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये आपका, क्योंकि इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन मैं इतनी अच्छी तरह से समझता हूँ. एक बार मेरा बड़ा मूड ऑफ था और सीन बड़ी खुशी का था फिल्म में, मतलब खुश कैसे रहूँ, मैं इतना दुखी, इतना परेशान हूँ, right. और मैं जाके सीन करूँगा कैसे, रूम में बैठा था भाई, हमेशा म्यूजिक साथ रहती थी, तो मेरी फेवरेट म्यूजिक लगा के मैं पहले जंपिंग शुरू कर दिया, फिर डांसिंग कर दिया, करते करते आउटसाइड से करते 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 इनर भी मैं हो गया. मतलब देयर वर टू ऑप्शंस. प्रोफेशन में हम लोग ये कर लेते हैं, यही अगर बीवी से प्रॉब्लम हो या बच्चे से हो या हो, तो चलने दो, दो दिन तीन दिन तक ऐसे. हाँ, तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है. अभी जैसे आपने कहा कि मैं उदास था लेकिन सीन खुश रहने का था, तो मैंने पहले सोचा कि कैसे खुश का करने का सीन करूं, क्योंकि अंदर से तो मैं उदास हूं, लेकिन सीन तो करना ही है खुश रहने का. तो इनसाइड से नहीं हो रहा था तो फोर्सफुली एक्सटर्नली किया, लेकिन एक्सटर्नली करने से धीरे धीरे क्या हो गया, इनसाइड भी ठीक हो गया. चलो सेम चीज़ को घर पर लेकर आते हैं. मैं अंदर से उदास हूँ, किसी बात से नाराज़ हूँ, किसी के साथ मेरी एनर्जी अच्छी नहीं फील हो रही मुझे, मैं अंदर से उनसे खुश भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं धीरे धीरे उनसे बात करना कम कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा कटना भी शुरू कर देता हूँ, विड्रॉ रखता हूँ. ये तो ये क्या हुआ, जो इनसाइड है वो आउटसाइड में आ गया. मैं तो थोड़ा देर से घर जाता था, देर से सब लोग खाना वाना खा ले, लेट हो जाए, अब ये सब क्या हो गया, क्या फेस करूं लोगों को. सिंपल. अब देखो, दिस इज सो ब्यूटिफुल, सीन इन अ मूवी, सीन एट होम, राइट. तो अंदर मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं, बाहर मेरा व्यवहार उसके साथ बदल चुका है, मुझसे अब प्यार से उनसे बात नहीं होती, मैं उल्टा कम ही बात करूं, क्योंकि हाँ. बात करूं फिर कुछ हो जाए बात, फिर मन ही नहीं करता. अच्छा, मन ही नहीं करके मैं बोलता था आई हैव टू गो आउट फॉर डिनर, में आप लोग खाना खा लो, और जिन जिन से बात नहीं करनी थी वो चले गए खा पी के, मैं आराम से देर से पहुंचे या एक्चुअली कहीं और जाके खा लेता था. नाउ दिस कैन बिकम अ वे ऑफ लिविंग. अब इसमें क्या हुआ, बीइंग तो दुखी है, लिविंग में भी दुख प्रैक्टिकल में बाहर दिखाई देने लग गया. आपके हिसाब से तो फिर जो वो क्या कहते हैं, आप जाता है यहाँ से वाइब्रेशन तो जा ही रहा ना, थॉट्स वाइब्रेशन जाते हैं वो. yes. सब तो लिविंग में भी हम दुखी हो गए, एटमॉस्फेयर और सारा ही मन खराब हो गया. सी द सिंपल चीज कितनी है, आप अंदर दुखी हैं, फाइन, मे बी इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू रिजॉल्व. अंदर मुझे अपनी थॉट्स को क्लीन करना, अंडरस्टैंड करना, थोड़ा टाइम लग रहा है. वो टाइम किसी के लिए आधा घंटा हो सकता है, किसी के लिए एक दिन हो सकता है, किसी के लिए
उससे भी ज़्यादा दिन हो सकते हैं कि मेरा अंदर रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन उतनी देर में क्या हुआ जो मेरा वे ऑफ लिविंग है, मतलब उनसे बात करने का तरीका, लोगों के साथ बैठना, फैमिली के साथ इकट्ठे होकर बैठना, जिस व्यक्ति से मुझे अंदर प्रॉब्लम हो रही है उनसे मेरा व्यवहार, मेरा बाहर भी चेंज हो जाता है। तो अब क्या हुआ, वो डैमेज फर्स्ट स्टेप पे न रहकर सिर्फ वो डैमेज बहुत सारा बाहर भी आ जाता है। जैसे ही वो बाहर लिविंग में भी आ गया, बीइंग में तो था, लिविंग में जीवन जीने के तरीके में भी वो आ गया, सामने वाले का व्यवहार भी बदलता जाएगा। अब जैसे ही सामने वाले का व्यवहार मुझे पहले ही पसंद नहीं था, तब मैं अंदर दुखी थी, अब उन्होंने व्यवहार में भी ठीक से बात करनी बंद कर दी, तो मतलब तो मेरा बीइंग क्या हो जाएगा, डबल हो गया। दिस इज हाउ इट विल एस्केलेट। बट एक बात अच्छी करते करते थॉट आई, जैसे आपने कहा था एक चीज को रिपीटेड बिकम द संस्कार, तो ये जो इनको मैं अवॉइड करने को रिपीट कर रहा हूँ, बात कम करने को रिपीट कर रहा हूँ, उनके साथ उठना बैठना रिपीट कम कर रहा हूँ, उनके साथ खाना नहीं खा रहा हूँ, तो ये भी फिर मेरा संस्कार बन जाएगा। संस्कार बन करते 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 इसकी मुझे आदत ही पड़ जाएगी। एब्सोल्युटली। तो अभी आदत पड़ जाएगी तो फिर नजदीक आना और दूरियां बढ़ती जाएंगी। दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई सेड, इट विल एस्केलेट। बात बढ़ गई, इसको क्या हम कहेंगे कि प्रॉब्लम इतनी थी, प्रॉब्लम बढ़ गई। और हमारा एक और संस्कार बन गया कि जब हमारी किसी से थोड़ी सी हमें नहीं पसंद आता तो हम उनसे क्या हो जाते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं, हम कहते हैं ना मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, इनके साथ मैं जी नहीं सकता। तो हमारा विड्रॉ करने का संस्कार बन गया, कटे कटे रहने का संस्कार बन गया। डिडंट वी हैव अनदर ऑप्शन, वी डिड। अंदर हम उदास हैं, हमें कोई चीज़ उनकी नहीं अच्छी लग रही, रिपीटेडली नहीं अच्छी लग रही, चलो अभी मैं उसको ठीक से एकदम से कर भी नहीं पा रही, मैं कहती हूँ नहीं मतलब नहीं, मुझसे नहीं एक्सेप्ट हो रहा। तो ये आपकी बात जो है सिस्टर, यहाँ पर लिविंग वैल्यूज नहीं है, आर्टिफिशियल लिविंग वैल्यूज है। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, इट इज एन जेन्युइन एफर्ट टू गोइंग बैक टू द ओरिजिनल बीइंग। जैसे आप, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग, इट्स नॉट आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल। जब हमें मैकेनिज्म समझ में आ गई, अभी अभी आपने कहा अंदर उदास था, बाहर भी दूर रहने लग गया, तो बात क्या हो गई, बढ़ गई। ये मैकेनिज्म मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आ गई, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग आर्टिफिशियल, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस मैकेनिज्म फ्रॉम गेटिंग एस्केलेटेड। हमें तरीका समझ में आ गया, मैं दुखी था, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू इमिजिएटली से ओके आई एक्सेप्ट दिस संस्कार, आई एम नॉट एबल टू डू इट, इट्स टेकिंग मी सम टाइम, बिकॉज आत्मा में उतनी ताकत भी नहीं होती ना एकदम से संस्कार बदले, एकदम से सोच बदले, एकदम से रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस पे आ जाए, एकदम से नहीं होता ना, थोड़ा टाइम गैप आता है बीच में। लेकिन उस टाइम गैप में हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, तो उस कारण से सोच को बदलना और मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने अभी कहा वो और बढ़ जाएगा। सो द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैड वॉज, मैं अंदर अभी बढ़ जाएगा नहीं, हम वैसे बनते जाते हैं लेकिन नेचर ही बन जाता है, बात नेचर कम तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी उस रिश्ते में, प्रॉब्लम तो 100% बढ़ेगी। Yes. लेकिन साथ साथ ये नेचर पकता भी जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। अच्छा, जितना आपने कहा मैं दूर होने लगूंगा, विथड्रॉ करूंगा, कटने लगूंगा, आपको लगता है सोच बदल जाएगी इससे? किसकी, आपकी अपनी सोच बदलेगी इससे? सोच तो और पक्की हो जाएगी, और पक्की हो जाएगी। सी दिस इज व्हाट, और पक्की हो जाएगी, मतलब बीइंग को जब हम लिविंग में ले आएंगे, अगर वैसे के वैसे उदास हैं और उदास ही बाहर भी व्यवहार में होंगे, तो अंदर की उदासी तो डे बाय डे क्या होने लगेगी, और पक्की होती जाएगी। तो क्यों ना हम एक स्टेप पे तो वर्क करें कि मैं अंदर उदास हूँ, मुझे आपके कोई संस्कार नहीं एक्सेप्ट हो रहा, अभी नहीं ठीक हो रहा, लेकिन अगर मेरा रोल है आपके साथ काम करने का या आपके साथ एक घर में रहने का, मैं उसको प्यार से प्ले करूँगा, जैसे आपने उस मूवी में किया। अगर मेरा रोल है कि मुझे इकट्ठे बैठकर सबके साथ खाना खाना है, हंसना है, सबका हालचाल पूछना, बैठना है, मैं प्यार से करूँगा उसको। अगर हम एक मूवी में उस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं तो हम उसको इधर भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने अंदर की उदासी को अंदर के लेवल पर रखा, हम ठीक करेंगे,
आर्टिफिशियल कब होता है? यू नो व्हाट यू सेड आर्टिफिशियल, जब वो हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाता है कि अंदर हम परमानेंट उदास रहेंगे और बाहर हम झूठा झूठा मुस्कुराएंगे, झूठा बोलेंगे और हम अंदर को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, तब वो आर्टिफिशियल है. वी आर टॉकिंग ऑफ जस्ट दिस लिटिल गैप कि मैं अंदर मोमेंटरली उदास हूँ, मुझे ठीक करना है उसको, लेकिन इमिजिएटली नहीं हो पा रहा. कम से कम बिहेवियर लेवल पे ठीक कर लेते हैं. बिहेवियर लेवल पे ठीक करने से, जैसे आपने कहा, बिहेवियर पे ठीक किया तो धीरे धीरे अंदर भी क्या होने लगा, ठीक हो गया. ये जीवन जीने में भी होगा. सपोज मेरे अंदर आदत है करप्शन की, लेट्स से, अब मुझे चाहिए आत्मा बिल्कुल प्योर. अब मैं ये वेट करूँ कि आत्मा पूरी 100% प्योर हो जाएगी तो करप्शन तो मेरी अपने आप छूट जाएगी. दिस इज वन वे विच इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. द अदर वे इज़ कि मुझे समझ में आ गया कि प्योर आत्मा के लिए करप्शन तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, तो मैं इसको तो स्टॉप करूँ ना आज यहाँ से, फुल स्टॉप. ये अगर मैंने फुल स्टॉप किया तो आत्मा की प्योरिटी 5% बढ़ी या नहीं बढ़ी? एक तरफ जो मैं कर रहा था कि अपने आप को डिटैच कर लिया, कम बात किया, लेट गया, वो लोग खाना खा के चले गए, बाद में लंच खाया या डिनर स्किप किया, ये सारी चीज़ों में यू नो व्हाट वाज हैपनिंग, आई वाज क्रिएटिंग अनहैप्पीनेस. वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. क्योंकि अनहैप्पीनेस क्रिएट पहले है. सी अगेन, लुक एट द मैकेनिज्म. अनहैप्पीनेस अंदर है तो लिविंग अनहैप्पीनेस हो गई. लिविंग अनहैप्पीनेस होने से बीइंग अनहैप्पी और ज्यादा होता जाएगा. सो इट्स दोनों हो गया, बीइंग अनहैप्पी, लिविंग अनहैप्पी एंड टुमारो आल्सो अनहैप्पी. एग्जैक्टली. अब इसको हमें सिर्फ इस स्टेप पर रोकना है कि मैं बीइंग अभी थोड़ी देर अनहैप्पी हूँ, थोड़ी देर मैंने ठीक कर लेना है इसको, लेकिन मुझे लिविंग में तो चेक कर लूँ, क्योंकि वो चेक करना मेरे लिए ईजी है कि क्या मैं सबसे प्यार से बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, व्यवहार मेरा ठीक है. ये करते करते मुझे बीइंग की भी सूक्ष्म चेकिंग करना ईजी हो जाएगा और वो जो अनहैप्पीनेस थी खत्म हो जाएगी. ईजी कैसे होगा ये अगले एपिसोड में आपसे पूछूंगा सिस्टर. श्योर, थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू सो मच. लिविंग वैल्यूज मीन्स टू एक्सपीरियंस द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ द सोल in our daily living, the way we speak, behave, professional values and ethics. Are we living the original sanskars of the being? The process of transformation is from inside out. If we change our sanskars, the outer behavior will automatically change. Sometimes, when we are unable to change it inside, let us at least take care that the negative sanskar does not come into our behavior. Any karma done repeatedly becomes a sanskar. Once it becomes a sanskar, it automatically comes into karma. With spiritual understanding and meditation, we can change our sanskars. We can also have constant attention on doing our external karma a different way. And doing it repeatedly will change our sanskar. If we are hurt in a relationship, we tend to withdraw from the person externally. Till we are able to heal the internal pain and change our sanskar of getting hurt, we can at least take care that our external behavior is normal. If we reflect the hurt in our behavior, the sanskar will only get stronger. If you wish to discuss your problem or have a question to ask
or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999559660. Om Shanti.